सब्सक्राइब कीजिए सिविल ज्ञान को और पाते रहिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कर्टन वाल का जो पर्पस जो है वो क्या होता है। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि कर्टन वाल का क्रॉस सेक्शन किस टाइप से आप देख सकते हैं और उसकी डेप्थ भी कितनी है आप देख सकते हैं। तो कर्टन वाल का मेन पर्पस क्या होता है कि हमारा जो भी ब्रिज का स्ट्रक्चर है उसका प्रोटेक्शन वर्क है, मेनली उसको प्रोटेक्ट करना उसका वर्क होता है। तो इसमें कुछ ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है ब्रिज का किया हुआ है। तो ये सारी प्रोटेक्शन वाले स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें कर्टन वाल का पर्पज ये होता है कि वो जो भी ब्रिज का प्रोटेक्शन है उसको वो काम करे, उसको प्रोटेक्ट करने का, हमारे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सेक्शन है। जो हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है उसमें दोनों अलग अलग टाइप की डेप्थ में कर्टन वाल बनाई जाती है। आप जैसे देख सकते हैं टाइप टू कर्टन वाल किधर अपस्ट्रीम फेस में दी हुई है और टाइप वन की जो है कर्टन वाल वो डाउनस्ट्रीम साइड में दी हुई है। तो डाउनस्ट्रीम साइड किधर है, इधर है। तो इधर की कर्टन वाल का अलग कुछ अलग हमारा डेप्थ होगा और अलग उसका स्टेप्स हो गए। और इसी तरफ से जो हमारी अपस्ट्रीम में जो कर्टन वाल है, क्योंकि अपस्ट्रीम से पानी का फ्लो आता है तो वहाँ पे कुछ हमको मजबूत और वहाँ पे स्कोर डेप्थ ज़्यादा होती है, इसलिए हमको डेप्थ जो है वहाँ पे कर्टन वाल की ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे कर्टन वाल की हमारी जो विड्थ है वो ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से बनी हुई है, ये पूरा नीचे पीसीसी करके, एक्सकेशन करके, पीसीसी करके यहाँ से चालू किया जाता है स्ट्रक्चर को। 550 पे पहला स्टेप बनता है और फिर उसके बाद में 750 पे दूसरा स्टेप बनता है, फिर अगले 750 पे तीसरा स्टेप बनता है और ये लेवल हमारा पीसीसी का जो हमारा फ्लोर अप्रोन होता है उसका पीसीसी का लेवल आ जाता है और वहाँ से फिर 450 mm पे हमारा कर्टन वाल जो है ख़त्म हो जाता है। तो कुछ इस टाइप से हमारा कर्टन वाल होता है। इसी तरीके से जो है हमारा टो वाल भी होता है। देख लीजिए अब ये वाला सेक्शन कैसा है, आप देख सकते हैं कर्टन वाल का यहाँ पे ज़्यादा, इसकी 2 मीटर ही है डेप्थ और 2 मीटर डेप्थ से 800 mm तो ये आ गया, उसके बाद में 750 mm पे अगला स्टेप आ गया और 450 पे फिर लास्ट वाला स्टेप हमारा आ गया और पूरी हमारी कर्टन वाल खत्म हो गई। तो उसके बाद में टो वाल का भी देखेंगे। टो वाल देखिए यहाँ पे, देखिए टो वाल आपने वीडियो देखा ही होगा, टो वाल में किस तरीके से साइड पे जो है टो वाल बनती है, जो हमारा स्लोप प्रोटेक्शन होता है उसको, स्लोप जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टो वाल बनाई जाती है। वो एक स्लोप प्रोटेक्शन वर्क होता है। टो वाल किस तरीके से बनता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई नीचे पीसीसी नहीं की जाती है, इसको सीधा M15 कंक्रीट में किया जाता है, 2 स्टेप्स में किया जाता है। पहले स्टेप में इसको 350 mm उठाया जाता है और अगले स्टेप में फिर इसको जितना ये बचा हुआ है उस साइड पे इसको उठा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल से 300 mm ऊपर है, मीन्स ये पूरा 900 mm का हो गया है। तो ये कितना उठा है वो आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये था कर्टन वाल और इसका टो वाल का जो है आपको सेक्शन भी बता दिया मैंने इसमें, और कर्टन वाल का किस तरीके से उसका यूज़ होता है, कर्टन वाल का यूज़ क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। तो प्रोटेक्शन रोकता है ब्रिज के लिए, आप ये भी कह सकते हैं कि वो यहाँ पे स्कोरिंग होने से रोकता है ब्रिज की। तो ये देख सकते हैं आप इसको कितना नीचे बनाया हुआ है, क्योंकि स्कर डेप्थ होती है उससे इसको नीचे बनाया जाता है ताकि जो है पानी वहाँ पे, पानी का फ्लो जो है वहाँ पे उसको नीचे जाके डैमेज नहीं कर सके। तो इस तरीके से कुछ कर्टन वाल है। यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की कर्टन वाल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों सेक्शन आपको बना के दिखाए हुए हैं, उसके ऊपर फिर सारे प्रोटेक्शन वर्क जो है इसके ब्रिज के पास पास में जितने भी वो वहाँ पे फ्लोर अप्रोन डाल के किया जाता है, उसको फिर फ्लेक्सिबल अप्रोन भी डाल के उसको और अच्छे से किया जाता है। इस तरीके से पूरी हमारी कर्टन वाल कंप्लीट होती है। तो कर्टन वाल में कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें कोई भारी चीज़ नहीं है। मैंने जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये छोटी छोटी चीज़ें करती हैं और कुछ भी नहीं है, बेसिक है, पूरी पीसीसी में बनी हुई होती है ये चीज़ें। और इसमें कोई अलग से यार कुछ ऐसी कोई चीज़ें सीखने वाली चीज़ें नहीं है कि इनको सीखने में कोई हमको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़े। हमको वैसे मेन जो हमारा काम है वो एग्जीक्यूट करना है, लेकिन हमको बेसिक नॉलेज थोड़ा डिज़ाइन का भी होना चाहिए कि डिज़ाइन किस तरीके से होती है इन चीज़ों की और क्या सोच के होती है इन चीज़ों की, इनका बस एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि जो है हम साइड पे एग्जीक्यूट करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और हमको समझ में आए कि इसका वर्क क्या है और किस तरीके से प्रॉपरली एग्जीक्यूशन हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कर्टन वाल के बारे में, उसके कर्टन वाल के सेक्शन और कर्टन वाल के पर्पस क्या होते हैं उसके बारे में समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देख पाए। अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा मैं आपके लिए, इतना कंट्रीब्यूशन आप कीजिए हम लोगों के लिए, हम लोगों को वीडियोस बनाने में मोटिवेशन जो है बराबर मिलता रहे, ऐसा आप काम जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ नया लेके मिलेंगे। धन्यवाद।